मेरा नाम है शुभम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में मैं एक और न्यू फीचर को अनेबल कर लिया अपने फ़ोन के अंदर, जो कि MIUI 11.2 सीरीज़ की शायद तक आपको देखने को मिलने वाला। देखते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि YouTube ऐप में नहीं, बहुत सारे ऐप के अंदर आप अनेबल कर सकते हैं, जिसका नाम है वीडियो टूल बॉक्स। इसको बताऊंगा किस प्रकार से अपने फ़ोन के अंदर आपको एक्टिवेट करना है और कहाँ पे ये फीचर दिया गया है, तो सारा कुछ प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और ना ही अपने फ़ोन को इससे रूट करने की ज़रूरत है, ना ही कोई TWRP करने की ज़रूरत है, कुछ भी नहीं जरूरत। बस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना पड़ेगा, आपको बताऊंगा इस फीचर का यूज़ क्या होता है और अपने फ़ोन के अंदर एक्स को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही बात बोलना चाहूँगा, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी MIUI 11 की वीडियो देखने के लिए हमारे बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 100 लाइक का डर रखता हूँ, 100 लाइक से ज़्यादा करते ही नहीं हूँ, आप तो 100 लाइक तो कर ही देना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से इस फीचर का यूज़ किया जाता है। तो ये देख सकते हैं, मैंने अपनी एक वीडियो प्ले कर रखी है और देख सकते हैं मैं साइड में स्क्रॉल से करूँगा इसको, साइड से, राइट साइड से, तो देखते हैं आपको इस प्रकार का फीचर देखने को मिल जाता है। अब बैकग्राउंड में आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, नोट्स पर क्लिक करूँगा तो नोट्स छोटी स्क्रीन में यूज़ कर सकता हूँ मैं, चाहे तो आप जो करना है जो कर सकते हैं। और यहाँ पे वापस स्लाइड करता हूँ, आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है रिकॉर्ड कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं। और मेन बात है कि प्ले वीडियो रिकॉर्डिंग, मतलब आप कोई भी यूट्यूब से तो गाना सुनते ही होंगे, आपको पता है स्क्रीन ऑन रखनी पड़ती है, फिर इसके लिए झंझट बहुत हो जाता है, आपकी बैटरी भी ज़्यादा कंज्यूम होती है। इससे आप क्लिक करेंगे तो ये बंदा ऑफ हो जाएगा, आपका गाना मतलब आपकी ऑडियो इसमें चलती रहेगी यूट्यूब के थ्रू और आपकी स्क्रीन भी ऑफ हो जाएगी। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फीचर है, देख सकते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा बात है। अगर आप सॉन्ग सुनते हैं यूट्यूब से, आपकी स्क्रीन ऑन करने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक अपनी सॉन्ग को सुन सकते हैं। और सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो इस प्रकार का आप देखते हैं वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें आप किसी भी ऐप में अनेबल कर सकते हैं, जिस जिस ऐप में आपको ज़रूरत है, रियलमी, टेलीग्राम, फ़ोनपे, जिसमें भी आपको व्हाट्सअप, टिकटॉक और यूट्यूब में सबसे ज़्यादा होता होगा और गैलरी ऐप में ज़्यादा से आपका यूज होएगा इस फीचर्स का। तो सबसे पहले आपको एक न्यू एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, उसके बाद डाउनलोड करने से आपका अनेबल नहीं होगा, वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। देखते हैं, टास्क मैनेजर को ओपन कर देता हूं, आपको वर्जन भी दिखा देता हूं, जो कि मैंने लिंक दिया हुआ है, सेटिंग में जाता हूँ तो देखते हैं इसका वर्जन 4.2.8 है। देखते हैं वर्जन मैंने सीधा बता दिया, अगर लिंक ना वर्क करे तो डाउनलोड कर लेना सीधा ही जाके। तो देखते हैं 4.2.8 के अंदर वर्क करता है। अब ये नहीं हो सकता सभी मोबाइलों के अंदर वर्क करें, मेरे Redmi Note 7 Pro में प्रॉपर वर्क कर रहा है, अगर आपके मोबाइल में वर्क करे तो मुझे बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। सिंपली आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना, आपका सिक्योरिटी पैड अप टू डेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च मारना है एक्टिविटी लॉन्चर। जी हाँ, देख सकते हैं शायद तक मैंने सर्च मारा हुआ है, एक्टिविटी आया नहीं, तो इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड कर लेना है। क्विक शॉर्टकट मेकर है तो उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं, दोनों में से कोई मर्जी कर सकते हैं, आपको यूज करना आना चाहिए। सिंपली ये कर लेता हूँ तो देखते हैं ये आपके सामने लोडिंग हो जाएगा। लोडिंग आ जाने के बाद आपके सामने बहुत सारी एप्लीकेशन आ जाएगी, तो यहाँ पर आपको सर्च मारना है सिक्योरिटी एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैंने सर्च मार लिया, देख सकते हैं सिक्योरिटी एप्लीकेशन मेरे सामने आ चुका है। अब इसके अंदर आपको सर्च मारना है वीडियो टूल बॉक्स। जी हाँ, अब इसको हम करते हैं स्लाइड में और यहाँ पर सर्च करते हैं वीडियो टूल बॉक्स को। देखते हैं मेरे साइड में, नीचे साइड में, नीचे से तीसरे नंबर पे आया है वीडियो टूल बॉक्स, आपके पता नहीं किस नंबर पे हो, तो आप चेक कर लेना। सिक्योरिटी ऐप में जाएंगे तो यहाँ पे वीडियो टूल बॉक्स का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, उसके सामने आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद आपका ये ऑफ होगा, इसे आप ऑन कर लीजिए। ऑन नहीं है तो आपको यहाँ ऑन होगा डायरेक्टली, तो भी आपके कई ऐप में ये अनेबल नहीं होगा। आप पहले, सबसे पहले आपको शॉर्टकट कैसा चाहिए, राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, दोनों मर्जी से कर सकते हैं। देखते हैं राइट करना है तो राइट कर सकते हैं, पहले मेरा लेफ्ट था। अब देखते हैं मैनेज वीडियो ऐप्स में मैं क्लिक करता हूँ तो जिस जिस ऐप में आपको चाहिए उस पर आप अनेबल कर सकते हैं। देखते हैं मैंने 4 एप्लीकेशन पर इसे अनेबल कर रखा है, तो हमने अनेबल कर रखा है। अब आपको दिखाता हूँ, मैं चल जाता हूँ यूट्यूब ऐप में और यहाँ पे देखते हैं साइड में आपको, देखते हैं यहाँ पे एक देखते हैं एरो देखने को मिलेगा। देखते हैं यहाँ पे एक ध्यान रखना होगा, ये एरो होएगा लेफ्ट साइड में, जहाँ पे भी एरो दिखेगा वहीं से आपको स्लाइड करना है। देखते हैं इस एरो पर मैं स्लाइड करूँगा तो ये सामने देखते हैं वीडियो टूल बॉक्स मेरे फ़ोन के अंदर अनेबल हो चुका है। देख सकते हैं अब यहाँ पर कोई भी एप्लीकेशन चला सकते हैं, लेकिन मेन फीचर है यहाँ पर स्क्रीन शॉट, तो ऑलरेडी आप 3 फिंगर से ले लेते थे, लेकिन आप प्ले मतलब जो भी साउंड थे वीडियो का वो बैकग्राउंड में चला सकते हैं स्क्रीन ऑफ के अंदर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है। और उसके बाद आप अनेबल कर सकते हैं, यहीं से आप इसकी सेटिंग भी मंगा सकते हैं किसी भी जिस ऐप में आपने अनेबल कर रखा है। उसके बाद एक्टिव लॉन्चर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहीं से आप सेटिंग में जाइए और वीडियो टूल बॉक्स में जहां जिस ऐप में आपको सिलेक्ट करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, लोकेशन सब कुछ आप कर सकते हैं।
इसको आप अनेबल रखिए, कई बार फिर ना इसे पता लग जाता है कि यहाँ पे टूल बॉक्स कहाँ पे एरो दिख रहा है। ठीक है, एरो दिखना चाहिए जब भी पता लगता है, नहीं तो कई बार वर्क नहीं करता इस प्रकार से, आपको पता नहीं लगता कहाँ पे एरो है, कहाँ पे हम स्लाइड करें, तो इसे आप अनेबल रखिए ज़रूर। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई, एक और न्यू फीचर हमने अनेबल कर लिया आज, तो वीडियो को लाइक बनता है लाइक कर दीजिए। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलेंगे ऐसे वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।